दतिया के सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, चुनावी माहौल चल रहा है और आप अभी अभी जीत चुके हैं, कैसा माहौल लग रहा है इस बार? फिर 400 पार और पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश राममय है और पूरे देश में कमल खिल रही है। पूरे देश की कमल की तो बात खिलने की हो ही रही है, यहाँ जो 29 कमल उनका मध्य प्रदेश में पूरे 29 में से 29 कमल खिलेंगे। हम भिंड दतिया लोकसभा सीट अच्छे मतों से जीत के और अपनी बहन संजय राय को लोकसभा में पहुंचाएंगे। विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि विकास जिस गति से होना चाहिए या विकास पर चुनाव लड़ा जाता है वो विकास देखने को नहीं मिलता। नहीं, ये अपना अपना नजरिया है। मैंने और हमारी पार्टी ने हमेशा राष्ट्र और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा है और जीता है। हमने जब जब विकास की और राष्ट्र की बात की है, जो हमने वादे किए हैं वो पूरे किए। अब ये आज़ादी के बाद से पिछले 50-60 सालों में जो गड्ढा हुआ है उसको भरने में हमें अभी मात्र 10 साल हुए हैं और इन 10 सालों में हमने जो प्लेटफार्म तैयार किया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अन्य पार्टी इन 10 सालों में इतना बड़ा प्लेटफार्म तैयार कर सकती है। 10 साल नहीं, 18 साल तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उसके बाद लगातार सिर्फ 15 महीने को छोड़ दें अगर हम, फिर लगातार बीजेपी है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तो आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में तो माननीय शिवराज सिंह जी ने और भाजपा ने जो किया है वो अद्वितीय है, ना भूतो ना भविष्य। चाहे सड़कों के मामले में, बहनों के मामले में ले लो, बेटियों के मामले में ले लो, गरीबों के मामले में ले लो, या अंतिम छोर तक आप देखेंगे तो हम दीनदयाल जी के मार्ग पर चलते हुए जो हमने कहा तो अंतिम छोर तक हमने सड़कों का निर्माण किया है, आवास का निर्माण किया है, शौचालय का निर्माण किया है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसी भी क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो हमने बहुत बेहतर किया है पिछले उनके कार्यकालों की तुलना में। लेकिन चूंकि अपनी एक परिधि, अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा के हिसाब से हमें लगता है कि हमने हर क्षेत्र में बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक सबके लिए बेहतर काम करने का प्रयास किया है और उसका परिणाम हमारे सामने है कि लगातार 18 सालों से 2003 से 2023 तक, इस साल अगर वो पिछले एक 15 महीने का कार्यकाल देखा जाए तो हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और इस बार 163 आना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की इसलिए आप बात ना, ये जरूर है कि 163 सीटें इस बार आए हैं और आप विधायक हैं, आपकी प्रायोरिटीज होंगी विकास को लेकर। चुनाव चूंकि मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है, खैर आपकी प्रायोरिटी क्या? वैसे मेरी प्रायोरिटी देखो सबसे पहले विकास और राष्ट्र, ये दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आई है और हमने विकास से कभी समझौता नहीं। जो भी हमारी जरूरतें रही हम अपनी सरकार से भी लड़े, अपने क्षेत्र के लिए प्रशासन से भी लड़े, लेकिन हमने विकास में कभी समझौता नहीं किया और राष्ट्र हित में कभी समझौता नहीं करते हैं। ऐसे देशद्रोही लोग जो 40 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा उनका कोई तालमेल नहीं है। वो 40 आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम 400 आने के लिए अपने विकास को जनता के सामने रख रहा है, अपने राष्ट्र के हित को जनता के सामने रख रहा है, जनता देख रही है आपके सामने परिणाम आएगा। बिल्कुल, ये कोई लड़ाई ही नहीं है, एक तरफ 40 है तो एक तरफ 400 है। प्रदीप अग्रवाल जी को आप सुन रहे थे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।